हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें आज मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं आपको इनकम मेथड। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 13th वीडियो है, 13 नंबर वीडियो है। इसलिए पिछली वीडियो में 12 वीडियोज़ में मैं अपने इसके पिछले चैप्टर्स और टॉपिक्स करवा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मैथड या वैल्यू एडिशन मैथड, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स। एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं और उनकी फैक्टर पेमेंट कौन सी मिलेगी, ऐसे लेबर को क्या मिलता है, वेजेस या सैलरी। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट फैक्टर इनकम के रूप में। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एंड वेन ऑल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम, ठीक है जी। तो मतलब कहने का सिंपल कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न की गई है, फैक्टर इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। और जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। सो अ फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन एज ए रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। इट मस्ट बी अर्न्ड एंड डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न्ड। तो अगेन, जैसे हमने वैल्यू एडिशन मेथड में बात करी थी कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ठीक है जी, और ऐसी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए जिसमें आपने कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी, ठीक है जी, मतलब ट्रांसफर इनकम नहीं होनी चाहिए। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, कि हम फैक्टर इनकम्स को किस तरीके से बांट सकते हैं। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसको तो चलो हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, और ये तीनों क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये फर्म्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, प्रोड्यूसर सेक्टर के यू कह लीजिए, उसके फैक्टर्स की सर्विसेज के फैक्टर पेमेंट्स हैं। तो हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में फैक्टर इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा, पेमेंट इन काइंड लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एम्प्लॉयज। तीसरा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी लाइक प्रोविडेंट फंड। चौथा, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन, इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या ऐड होगा, सिंपली एक तो हो जाएगा वेजेज एंड सैलरी, दूसरा अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन जैसी कोई चीज़ दी है उसकी वैल्यू, तीसरा जो सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड जैसी कोई आइटम्स है वो भी ऐड हो जाएगी, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। मतलब मोर स्पेसिफिक करें तो इसमें ओल्ड एज पेंशन शामिल नहीं होगी, इसमें वही पेंशन शामिल होगी जो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जो होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइन। ओके, तो उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट्स। प्रॉफिट को अगर फिर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेंट तो आपको पता है ना, ये तो लैंड से जनरेट होगा, और इंटरेस्ट कैपिटल की इनकम है, ठीक है। और प्रॉफिट को आगे तीन हिस्से में बोला जा सकता है। पहला है डिविडेंड। सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट के अंदर जो दूसरा आएगा वो है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। स्टूडेंट्स, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है जी। तो ये भी प्रॉफिट का ही शेयर है। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज, पर्टिकुलरली टू मीट सम कंटिंजेंट एंटरप्राइजेस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस।
ठीक है। मिक्स्ड इनकम का मतलब है कि यदि कोई एक व्यक्ति घर से काम कर रहा है या अपना काम कर रहा है तो उसके चारों फैक्टर उसी को ही ओन करते हैं, उसी को ही बिलोंग करते हैं, चाहे उसकी अपनी लेबर है, उसका घर है, उसका ही पैसा लगाया और उसी की स्किल से काम हो रहा है, ठीक है, उसको हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस बोलते हैं। सो दीज इनकम आर मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। सो सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड और परचेज फ्रॉम द मार्केट। सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो सिंपली डोमेस्टिक इनकम, इसको क्या बोलते हैं हम फिर, डोमेस्टिक इनकम ही तो बोलेंगे, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जो जनरेट हुई है मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो सारा कुछ इसमें हम जब ऐड कर देंगे सारी फैक्टर इनकम्स को, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और सिंपली डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, पहला क्या आ गया हमारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा क्या आ गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को भी हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी, तो सारी फैक्टर इनकम्स वो बन जाती हैं। सो NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो NNPFC जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं ना, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम किसके बराबर आ जाएगी, NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके जी, तो ये हमारी बन जाएगी नेशनल इनकम। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके मेथड को, मेथड को कैसे डिस्कस करना है इनकम मेथड में। सबसे पहले हमने आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि ये तीन चीज़ें ऐड हो जाएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें हमारा वो आ जाएगा रेंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ओके, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें रेजिडेंट्स की इनकम ऐड कर लेंगे जो फैक्टर्स मतलब बाहर से अर्न करके आए हैं, और नॉन रेजिडेंट की माइनस कर देंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने अर्न की है, उसने उन्होंने अर्न किया है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारा कुछ बन के क्या बन जाएगा अब आपका, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो मैं एक बार आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ, अंडरस्टैंड करिए फॉर्मूले को। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये बन गया ये, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या आएगा अब आपका, इक्वल टू सारा कुछ ऐड कर देंगे जब हम, ठीक है, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा, ओके जी। और ऑपरेटिंग सरप्लस का मैंने मतलब आपको बता ही दिया, ऊपर भी, यहाँ भी, और ये, ठीक है, ये चारों चीज़ें ऐड करके हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी बाय यूजिंग इनकम मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस को आपने देखना है, प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं वाइल यूजिंग इनकम मेथड, ठीक है। तो ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एटसेट्रा शुडंट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसिस शुडंट बी इंक्लूडेड, ये ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी, सिर्फ फैक्टर इनकम आएगी। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड, इलीगल एक्टिविटीज की कोई भी इनकम, थेफ्ट किया है, गैम्बलिंग किया है, वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसका, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड करनी है बिकॉज ये एक रिवॉर्ड है उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, या सेकेंड हैंड गुड्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, चाहे कार है, चाहे पुराना मतलब सेकेंड हैंड घर बेचा है आपने, कोई भी चीज़। सो ब्रोकरेज पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड बिकॉज ये भी एक रिवॉर्ड है फैक्टर सर्विसेज के लिए, ये भी आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी,
शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये ऐड नहीं करनी, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू एडिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द विंडफॉल गेन. लाइकवाइज इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टरिंग. सिक्स पॉइंट है इंप्यूटेड रेंट. इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज कॉम्पोनेंट ऑफ अ फैक्टर इनकम. ठीक है, ये भी आपने ऐड करना है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन दिस शुड बी जनरेटेड ऑफ इनकम इन इकोनॉमी इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको भी आपने ऐड करना है. कॉरपोरेट टैक्स डिविडेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल आर कंपोनेंट ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट. वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एनी ऑफ दीज शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड. ठीक है, जब आपने एक बार प्रॉफिट ऐड कर लिया तो अगर ये तीनों आइटम्स आपको अलग अलग गिवन है डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ठीक है या कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में वो आपको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इट शुडंट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके जी, सो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज द सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज सारे किसके कॉम्पोनेंट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो वो उसी में ही एड होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये मैथड का जो फॉर्मूला था और इसके क्या इंग्रेडिएंट थे, क्या चीज़ें इसमें आनी है, क्या चीज़ें नहीं आनी, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया. आप एक बार पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिए. अगली वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा इनकम मेथड के. ओके जी, डन.